करते हैं, तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल से आर डिस्टेंस पे और इससे थीटा एंगुलर पोजीशन पे, ये जो पॉइंट है आपका, इस पॉइंट पे पोटेंशियल अपन ने पता किया था, और इस पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन अपने पास आया था वो था पी कोस थीटा, पी जहाँ पे डाइपोल मोमेंट है, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन अपने पास आया था, यहाँ तक अपन ने स्टडी कर लिया था। इसके बाद अपन आज स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा वेट कीजिएगा आप। नेक्स्ट अपन ये देखते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अपन ने देख लिया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये अपन ने लास्ट क्लास में स्टडी कर लिया था। अब अपन देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे पहला केस अपन डाइपोल जो एक्सिस है उसके ऊपर फील्ड अपन फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन पे अपन कोई पॉइंट कंसिडर करेंगे, उस पे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन जो है उसके ऊपर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद अपन एक जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद एक जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो पहला केस में कंसिडर कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। केस वन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सियल लाइन। देखिए ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपको एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया हुआ है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसको मैं एक्स एक्सिस के अलोंग अलाइंड करके रखता हूँ। ये मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो सेंटर है वो आपका ओरिजिन पे लोकेटेड है, और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, दोनों चार्जेस के बीच सेपरेशन डी के बराबर है, तो ओरिजिन से पॉजिटिव चार्ज का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा डी बाई टू, और ओरिजिन से नेगेटिव चार्ज का जो डिस्टेंस है वो भी कितना है, डी बाई टू है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, डाइपोल को आप एक एरो से भी डिनोट कर सकते हो, इस एरो से अपन इसको डिनोट कर सकते हैं।
अब इस डाइपोल की ये जो एक्स एक्सिस है, इस डाइपोल के लिए एक्सियल लाइन हो जाएगी। एक्सियल लाइन अपन कैसे डिफाइन करते हैं? दोनों चार्जेस से पास होने वाली जो लाइन है वो आपकी डाइपोल की एक्सिस कहलाती है। तो ये लाइन आपकी एक्सियल लाइन हो जाएगी। इस पे कोई पॉइंट अपन कंसिडर करते हैं। यहाँ पे मैंने कंसिडर कर लिया है ये पॉइंट पी। इस पॉइंट पी पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पॉइंट पी की ओरिजिन से डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ आर। यहाँ से ओरिजिन से आर डिस्टेंस पे ये पॉइंट आपका लोकेटेड है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। तो एक तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से पी के ऊपर फील्ड होगा। पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड किधर पॉइंट करता है? अवे फ्रॉम द चार्ज पॉइंट। नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड किधर पॉइंट करेगा? टुवार्ड्स द चार्ज, यानी लेफ्ट वार्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। लेकिन चूंकि पॉजिटिव चार्ज इस पी के पास में लोकेटेड है, इसकी वजह से फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। माइनस क्यू दूर लोकेटेड है, तो इसकी वजह से फील्ड का मैग्नीट्यूड पी पे कम होगा। तो जैसे मान लीजिए कि ये जो प्लस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से अपन यहाँ पे फील्ड डिनोट कर रहे हैं। तो फील्ड को मैं इस वेक्टर से डिनोट कर देता हूँ। फील्ड आपका ये रहेगा, इसको मैं E1 से डिनोट कर देता हूँ। इसकी जो डायरेक्शन है वो किधर रहेगी? अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। और इस पॉइंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है माइनस क्यू, इसकी वजह से जो फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड कम होगा। डायरेक्शन किधर होगी? नेगेटिव चार्ज की तरफ रहेगी। तो उसकी वजह से फील्ड आपका किधर पॉइंट में, और इस फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा। इसको मैं E2 से डिनोट कर देता हूँ। पी पे जो रिजल्टेंट फील्ड होगा वो इन दोनों वेक्टर्स का वेक्टर सम रहेगा। और चूंकि E1 ज़्यादा है E2 से, तो रिजल्टेंट फील्ड किधर पॉइंट करेगा? राइट वार्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। रिजल्टेंट फील्ड जो है उसको मैं E से डिनोट कर देता हूँ। तो P के ऊपर जो रिजल्टेंट फील्ड है उसको अपन ये लिख सकते माइनस E2। ये अपने पास आ जाएगा। E1 तो क्या हो गया? प्लस क्यू जो चार्ज है उसकी वजह से पी के ऊपर फील्ड। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से फील्ड कितना रहेगा? कोई भी पॉइंट चार्ज है उससे आर डिस्टेंस पे फील्ड होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, या क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो वही एक्सप्रेशन यूज करेंगे। इस प्लस क्यू चार्ज से पी तक का डिस्टेंस देख लेते हैं। ये डिस्टेंस तो आपका आर है, तो प्लस क्यू से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? आर माइनस D/2। तो प्लस क्यू की वजह से फील्ड ये आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। प्लस क्यू से पी का डिस्टेंस है आर माइनस D/2, तो आर माइनस D/2 का होल स्क्वायर। अब माइनस क्यू की वजह से पी के ऊपर फील्ड देखेंगे। तो माइनस क्यू से पी का डिस्टेंस देखो कितना होगा। ओरिजिन से ये डिस्टेंस आर है, तो यहाँ से डिस्टेंस क्या होगा? आर प्लस D/2। तो इसकी वजह से फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस D/2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इनमें से जो टर्म्स कॉमन आ रही है उनको तो अपन बाहर लिख लेते हैं। तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको मैं बाहर लिख लेता हूँ। अंदर जो टर्म्स आपकी बचेंगी वो ये रहेगी 1 अपॉन आर माइनस D/2 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस D/2 का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लेते हैं अंदर, तो अपने पास ये आएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अंदर एलसीएम लेंगे, तो अंदर एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में ये टर्म आ जाएगा, दिस इंटू दिस। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस D/4 का होल स्क्वायर। ऊपर पहली टर्म तो ये रहेगी आर प्लस D/2 का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस D/2 का होल स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा। और इसमें अपन ये फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, A²-B² वाला फॉर्मूला। तो उससे क्या आएगा वो देखिए, ये आएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे तो हो गया R²-D²/4 का होल स्क्वायर। ऊपर देखिए एक बार दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पे क्या आएगा? 2R। और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? D। ये अपने पास आ जाएगा। अब इस स्टेज में आने के बाद अपन अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। अपन ये कंसीडर कर रहे हैं डाइपोल से लास्ट डिस्टेंस पे फील्ड अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, आर इज मच मच ग्रेटर देन डी पे। तो ये कंडीशन अपन अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो
तो इसमें अगर मैं ये कंडीशन अप्लाई करूं, आर इज मच मच ग्रेटर देन डी, तो डिनोमिनेटर में अपन आर स्क्वायर के कंपेरिजन में इस टर्म को नेगलेक्ट कर सकते हैं, डी स्क्वायर बाई फोर को, तो नीचे आर टू द पावर फोर रह जाएगा, उससे एक पावर यहाँ से कट जाएगी, तो अपने पास क्या आएगा, ऊपर तो रह जाएगा टू क्यू डी अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये आ जाएगा अपने पास। क्यू इंटू डी को तो अपन डायपोल मोमेंट पी से डिनोट कर देते हैं, तो अपने पास जो फील्ड है उसका ये एक्सप्रेशन आएगा, इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं के से डिनोट कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा टू के पी अपॉन आर क्यूब, ये एक्सप्रेशन आएगा। अब अगर मैं इसकी डायरेक्शन देखता हूँ, तो डायरेक्शन किधर की ओर पॉइंट कर रही है, ई वेक्टर किधर पॉइंट कर रहा है, राइट वार्ड डायरेक्शन में, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज से ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग, यानी डाइपोल मोमेंट भी आपका किधर पॉइंट कर रहा है, राइट वार्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, ई वेक्टर भी राइट वार्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो मैं ई वेक्टर को ये लिख सकता हूँ, वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेशन ये हो जाएगा टू के पी वेक्टर अपॉन आर क्यू। यहाँ पे मैंने वेक्टर फॉर्म में ये एक्सप्रेशन लिखा है टू के पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब, क्योंकि ई वेक्टर की डायरेक्शन वही है जो आपकी पी वेक्टर की डायरेक्शन है, पी वेक्टर भी राइट वार्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, ई वेक्टर भी राइट वार्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो डाइपोल की एक्सिस पे आप किधर भी फील्ड जो है वो आप कैलकुलेट कीजिए, फील्ड का एक्सप्रेशन तो आप ये रखेंगे टू के पी अपॉन आर क्यूब, और फील्ड की डायरेक्शन वही रहेगी जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, जैसे ये मान लीजिए डाइपोल है, तो इस डायपोल की एक्सिस पे आप कहीं भी फील्ड कैलकुलेट करते हो, जैसे इधर किसी पॉइंट पे फील्ड कैलकुलेट करोगे, डायपोल ये है आपका पी वेक्टर, एरो की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो इधर कोई पॉइंट लोगे तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर पॉइंट करेगा, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में, इधर भी कोई पॉइंट आप कंसिडर करते हो तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर पॉइंट करेगा, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही पॉइंट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही रहेगी एक्सिस के ऊपर जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही पॉइंट करेगा, और इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, टू के पी अपॉन आर क्यूब। तो देखिए इसमें कोई भी डाउट है तो डाइपोल की एक्सिस पे, डाइपोल से आर डिस्टेंस पे फील्ड का एक्सप्रेशन ये होगा टू के पी अपॉन आर क्यूब, इसमें देखो कोई भी डाउट है तो पोटेंशियल इक्वल और अपोजिट होगा, नेट पोटेंशियल इक्वेटोरियल लाइन पे क्या रहेगा, जीरो, तो इक्विटोरियल जो लाइन है उसके ऊपर फील्ड जो है वो कितना होगा ये अपन कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, इक्विटोरियल लाइन के अलोंग तो फील्ड नहीं हो सकता, ये तो आप गेस कर सकते हो, इस डायरेक्शन में फील्ड नहीं होगा इक्विटोरियल लाइन पे, इक्विटोरियल लाइन के अलोंग तो फील्ड पॉइंट नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता कोई बता सकता है क्या है, यहाँ पे इस पॉइंट पे फील्ड देखोगे तो इक्विटोरियल लाइन के अलोंग तो फील्ड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, सर? लेफ्ट में पॉइंट करेगा सर। लेफ्ट में पॉइंट करेगा लेकिन इक्विटोरियल लाइन के अलोंग क्यों नहीं हो सकता फील्ड, ये सॉरी ये जो आपकी इक्विटोरियल लाइन है ये इक्वी पोटेंशियल लाइन भी है, क्योंकि इस पूरी लाइन के अलोंग पोटेंशियल आपका क्या है, जीरो है, तो इस लाइन के अलोंग अगर आप मूव करोगे तो पोटेंशियल में चेंज कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो इस लाइन के अलोंग फील्ड का कोई कंपोनेंट नहीं रहेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इक्वी पोटेंशियल लाइन के परपेंडिकुलर आपका पॉइंट करता है, तो अपन यहां से चूंकि अपने को ये पता है ये इक्विटोरियल लाइन इक्वी पोटेंशियल लाइन भी है, इस लाइन के अलोंग पोटेंशियल जीरो रहना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर ही पॉइंट करेगा, इसके अलोंग कोई कॉम्पोनेंट नहीं आ सकता, अब कैसे करेगा वो अपन यहाँ पे देखेंगे, तो जो सेकेंड केस अपन कंसिडर कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन इक्विटोरियल लाइन, केस टू अपन देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट ए पॉइंट
एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। जैसे मान लीजिए कि ये डाइपोल है आपका, डाइपोल फिर से एक्स एक्सिस के अलोंग अलाइंड अपन ले लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है आपकी, ओरिजिन पे डाइपोल का सेंटर लोकेटेड है, यहाँ पे चार्ज ले लेते हैं माइनस क्यू, ये ओरिजिन है, और इधर चार्ज ले लिया प्लस क्यू, दोनों चार्जेस के बीच सेपरेशन डी है, तो ओरिजिन से प्लस क्यू की डिस्टेंस डी बाई टू होगी, ओरिजिन से माइनस क्यू की डिस्टेंस भी कितनी है डी बाई टू, और ये जो लाइन है ओ से ये परपेंडिकुलर लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ, ये लाइन आपकी कहलाएगी इक्वेटोरियल लाइन, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है वाई एक्सिस ये आपकी कहलाएगी इक्वेटोरियल लाइन। अब इस इक्वेटोरियल लाइन पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता करनी है, तो अपन कोई जनरल पॉइंट ले लेते हैं डाइपोल से आर डिस्टेंस पे, ये पॉइंट कंसिडर करते हैं इसकी इक्वेटोरियल एक्सिस के ऊपर, ये पॉइंट पी कंसिडर कर लेता हूँ, यहाँ पे अपने को फील्ड पता करना है, तो सबसे पहले तो मैं प्लस क्यू चार्ज की वजह से पी पे फील्ड पता करूँगा, तो प्लस क्यू की वजह से फील्ड किधर पॉइंट करेगा, अवे फ्रॉम द चार्ज पॉइंट करेगा इधर की ओर, और ये जो फील्ड है इसको मैं ई वन से डिनोट कर देता हूँ। अब प्लस क्यू से ये पी जितना दूर है माइनस क्यू से भी उतना ही दूर है, तो प्लस क्यू की वजह से फील्ड का मैग्नीट्यूड जितना है माइनस क्यू की वजह से भी फील्ड का मैग्नीट्यूड तो उतना ही होगा, लेकिन फील्ड किधर पॉइंट करेगा नेगेटिव चार्ज के केस में, टुवार्ड्स द चार्ज पॉइंट करेगा, तो इस माइनस क्यू की वजह से पी पे जो फील्ड होगा वो किधर पॉइंट करेगा, माइनस क्यू की ओर पॉइंट करेगा, ये इधर की ओर पॉइंट करेगा, मैग्नीट्यूड इसका वही रहेगा, तो इसको भी ईवन से ही डिनोट कर देता हूँ, ईवन की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, ईवन कितना आएगा, ईवन इज इक्वल टू इस प्लस क्यू की वजह से यहाँ पे फील्ड देख रहे हैं, ये डिस्टेंस आपको पता है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, प्लस क्यू से पी तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर, तो प्लस क्यू की वजह से पी पे जो फील्ड आएगा उसको अपन ये लिखेंगे क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस का स्क्वायर लिख दीजिए, ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर। अब ये ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ये एंगल थीटा ले लेता हूँ, तो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या रहेगा, थीटा रहेगा, ये एंगल भी आपका थीटा ही होगा, तो ये अल्टरनेट एंगल है, ये भी क्या रहेगा, थीटा रहेगा, तो ये जो ईवन है ये ईवन है, इसको दो कॉम्पोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक कॉम्पोनेंट तो वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा जो ईवन साइन थीटा होगा, और एक कंपोनेंट इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर की ओर पॉइंट करेगा जो कितना होगा ईवन कोस थीटा। सिमिलरली ये जो ईवन है इसको भी दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक कंपोनेंट इधर की ओर आएगा जो ईवन साइन थीटा होगा, और एक इधर की ओर आएगा जो ईवन कोस थीटा होगा। अब अपन ये देखेंगे ये जो ईवन साइन थीटा है, ये कॉम्पोनेंट और ये कॉम्पोनेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, तो ये दोनों कॉम्पोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे, नेट फील्ड क्या हो जाएगा, टू ईवन कॉस थीटा, और ये किधर पॉइंट करेगा, ये लेफ्ट वार्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, नेट फील्ड आपका इधर की ओर होगा, नेट फील्ड को अपन क्या लिख सकते हैं, नेट फील्ड इज इक्वल टू टू ईवन कॉस थीटा। डाइपोल मोमेंट तो इधर की ओर पॉइंट कर रहा है, राइट वार्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, तो पहले इसका मैग्नीट्यूड अपन लिख लेते हैं कितना आएगा, यहाँ पे मैं वैल्यूज रख देता हूँ, ट्वाइस ईवन की वैल्यू तो यहाँ से पुट कर दीजिए, क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर, कोस थीटा की वैल्यू भी रख देते हैं, कोस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, या ये ट्राइंगल ले लो, बेस तो डी बाई टू हो गया, हाइपोटेन्यूस ये हो गया, तो ये आ जाएगा डी बाई टू अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर, या इसको आप ये लिख सकते हो, इस टू से तो ये टू कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, क्यू डी अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट
आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 टू द पावर 3/2। अब चूंकि अपन ये अजम्पशन अपन ले रहे हैं आर इज मच मच ग्रेटर देन डी, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर बाई 4 को आप नेगलेक्ट कर सकते हो, क्या आ जाएगा क्यू डी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। क्यू डी को तो अपन पी के बराबर लिख सकते हैं, ये डाइपोल मोमेंट हो गया, तो अपने पास ये एक्सप्रेशन आएगा ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के से डिनोट कर देता हूँ, केपी अपॉन आर क्यूब। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया। अब अपने को ये पता है इसकी जो डायरेक्शन है वो पी वेक्टर के अपोजिट है, पी वेक्टर राइटवार्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्टवार्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। तो मैं अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस के पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब। तो ये इक्वेटोरियल एक्सिस पे फील्ड जो है वो इस एक्सप्रेशन से देंगे, और एक्सियल पॉइंट पे जो फील्ड है वो अपन 2 KP अपॉन आर क्यूब इस फॉर्मूला से देंगे। तो अपने को इक्वेटोरियल पॉइंट पे भी फील्ड पता लग गया हर एक पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट के भी हर एक पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू अपन बता सकते हैं। पहले ये देखिए इसमें कोई भी डाउट है तो, इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड कैसे कैलकुलेट किया, इसमें कोई भी डाउट आ रहा है तो पूछ लीजिए। सर एक बार ये बता दीजिए, आपने ये इक्वल टू 2E1 cos थीटा कैसे लिखा है? इस प्लस क्यू की वजह से यहाँ पे फील्ड निकाल लिया, तो ये फील्ड तो क्या होगा प्लस क्यू से दूर पॉइंट करेगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज पॉइंट करता है, ये इधर की ओर पॉइंट करेगा। इस माइनस क्यू की वजह से पी पे फील्ड निकालोगे, ये टुवार्ड्स द चार्ज पॉइंट करेगा, इधर की ओर पॉइंट करेगा। और इन दोनों जो फील्ड हैं इनके वर्टिकल कॉम्पोनेंट तो अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, कैंसिल हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऐड हो जाएंगे, लेफ्ट वार्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, तो ये E1 cos थीटा और E1 cos थीटा ऐड होंगे, तो टोटल फील्ड कितना हो गया 2 E1 cos थीटा। ओके सर, तो दो चीजें अपन को पता लग गई हैं, एक तो एक्सियल पॉइंट पे फील्ड और एक इक्वेटोरियल पॉइंट पे फील्ड। वेक्टर फॉर्म में अपन ये लिख सकते हैं, एक्सियल पॉइंट पे तो फील्ड कितना रहेगा, डाइपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस पे फील्ड का एक्सप्रेशन ये रहेगा, क्यू के पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब। और इक्वेटोरियल पॉइंट पे फील्ड का एक्सप्रेशन ये रहेगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब। किसी जनरल पॉइंट पे फील्ड का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। तो एक डाइपोल की वजह से एक जनरल पॉइंट पे फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा वो देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल एट ए जनरल पॉइंट अब की बार पॉइंट आपका एक्सियल पॉइंट या इक्वेटोरियल पॉइंट ना होके कोई जनरल पॉइंट है, जैसे मान लो ये डायपोल है आपका, जनरल पॉइंट कैसे चूज करेंगे, ये डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट मैं पी वेक्टर से डिनोट कर देता हूँ, तो डायपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस पे पोजिशन वेक्टर आर वेक्टर पे ये पॉइंट आपका लोकेटेड है, और डायपोल मोमेंट से कितनी एंगुलर पोजीशन पे है, थीटा एंगुलर पोजीशन पे ये पॉइंट आपका लोकेटेड है। इस पॉइंट पे अपने को फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस केस में फील्ड पता करने के लिए अपन क्या करते हैं, ये जो डायपोल है इसको अपन दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं, इस डायपोल मोमेंट को पी वेक्टर का एक जो कंपोनेंट है वो तो इधर की ओर आ जाएगा, एक कंपोनेंट इसका इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ये कंपोनेंट हो जाएगा आपका। ये जो कंपोनेंट है ये क्या होगा, पी कॉस थीटा,
और एक कंपोनेंट जो है वो आपका इस रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा इधर की ओर, ये कंपोनेंट रहेगा। तो ये जो कंपोनेंट है ये क्या होगा, पी साइन थीटा। अपन ने डायपोल को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया है, तो अब अपन ये भी मान सकते हैं कि ये डायपोल की बजाय यहाँ पे दो पॉइंट डायपोल रखे हुए हैं। एक डायपोल ये है पी कॉस थीटा जिसका डायपोल मोमेंट है, और एक डायपोल ये है जिसका डायपोल मोमेंट कितना है, पी साइन थीटा। अब अपन यहाँ पे इस कंप्लीट डायपोल को अपन दो पार्ट्स में अपन ने ब्रेक कर लिया है, तो अपन ये मान सकते हैं कि दो पॉइंट डायपोल है। एक पॉइंट डायपोल ये है जिसके लिए डायपोल मोमेंट पी कॉस थीटा है आर वेक्टर की डायरेक्शन में, और एक डायपोल जो है आपका ये है जिसका डायपोल मोमेंट है पी साइन थीटा, ये आपका आर वेक्टर के परपेंडिकुलरली लोकेटेड है। इन दोनों की वजह से इस पॉइंट पे अपन फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि पी वेक्टर को अपन ने दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया इस वेक्टर को, तो अपन पहले इन दोनों कंपोनेंट्स की वजह से इस पॉइंट के ऊपर फील्ड पता करेंगे, रिजल्टेंट फील्ड उन दोनों का वेक्टर सम होगा। तो सबसे पहले मैं ये पी कोस थीटा जो है इसकी वजह से मैं यहाँ पे फील्ड कैलकुलेट करता हूँ। मैंने आपको ये बताया है कि कोई भी डायपोल है, जैसे ये डायपोल था आपका, इस डायपोल की एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट आपका लोकेटेड है तो उस पॉइंट पे फील्ड का एक्सप्रेशन अपन इससे देते हैं, 2 KP वेक्टर अपॉन R³ से। ये किधर पॉइंट करता है, P वेक्टर की ही डायरेक्शन में पॉइंट करता है। तो यहाँ पे मैं ये P cos थीटा ले रहा हूँ, ये डायपोल है आपका, इस डायपोल की वजह से यहाँ पे जो फील्ड है वो किधर की ओर होगा, एक्सिस के अलोंग ही रहेगा, क्योंकि ये जो डायपोल है उसके लिए ये पॉइंट क्या हो गया, एक्सियल पॉइंट। P cos थीटा के लिए एक्सियल पॉइंट है, तो एक्सियल पॉइंट पे फील्ड किधर होगा, डायपोल की ही डायरेक्शन में यानी पी कोस थीटा की डायरेक्शन में। इस फील्ड को अपन रेडियल फील्ड बोलते हैं। ये जो रेडियल फील्ड है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो एक्सिस पे फील्ड अपन किस एक्सप्रेशन से देते हैं, 2 KP अपॉन R³ से, लेकिन पी की जगह अपने को क्या पुट करना पड़ेगा, पी कोस थीटा पुट करना पड़ेगा, क्योंकि पी की वैल्यू यहाँ पे पी कोस थीटा के बराबर है। इस डायपोल की वजह से अपन यहाँ पे फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो डायपोल की एक्सिस पे फील्ड ये होता है 2 KP अपॉन R³। अब यहाँ पे चूंकि P की वैल्यू किसके बराबर है, P cos थीटा के, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ 2 KP cos थीटा अपॉन R³। दूसरा डायपोल हो गया ये P साइन थीटा, इसकी वजह से मैं यहाँ पे फील्ड कैलकुलेट करता हूँ। तो ये जो P साइन थीटा है इसके लिए ये पॉइंट क्या रहेगा, इक्विटोरियल पॉइंट, और इक्विटोरियल पॉइंट पे जो फील्ड होता है वो डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करता है, तो पी साइन थीटा तो इधर पॉइंट कर रहा है, इसकी वजह से फील्ड किधर पॉइंट करेगा, पी साइन थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में इधर की ओर, ये इधर की ओर पॉइंट करेगा। इसको अपन बोलते हैं ट्रांसवर्स, इसको डिनोट करते हैं, ये फील्ड का ट्रांसवर्स कॉम्पोनेंट है, तो इसको ये थीटा से डिनोट करेंगे, ये आएगा कितना। अब आपको ये पता है कि अगर कोई भी डायपोल है उसके इक्विटोरियल पॉइंट पे आप फील्ड निकालोगे तो फील्ड का एक्सप्रेशन किससे देंगे, -KP वेक्टर अपॉन R³ से। ये अपन ने अभी अभी कैलकुलेट किया है, जैसे यहाँ पे कैलकुलेट किया था कितना आया था, -KP वेक्टर अपॉन R³। केवल ये ध्यान रखना है पी की जगह यहाँ पे क्या यूज करेंगे, पी साइन थीटा यूज करेंगे, क्योंकि पी साइन थीटा ये जो डायपोल है इसके इक्विटोरियल पॉइंट पे फील्ड निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या होगा, फील्ड और नेट फील्ड इन दोनों का वेक्टर सम होगा, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो मान लो आपका रेडियल डायरेक्शन से कितने एंगल पे पॉइंट कर रहा है, अल्फा एंगल पे पॉइंट कर रहा है, ये आपका नेट फील्ड हो जाएगा। अब इस नेट फील्ड को अपन ये लिख सकते हैं, ई वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे दो वेक्टर हैं आपके, ये ई आर, दो कंपोनेंट है ई आर और ई थीटा। इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको अपन आर कैप से डिनोट करते हैं, और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको अपन थीटा कैप से डिनोट करते हैं। ये आर कैप तो क्या हो गया, आर वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर,
और थीटा कैप क्या हो गया, थीटा की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। थीटा की डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे देखो थीटा इधर की ओर जा रहा है एंगल, तो ये थीटा जो है उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को अपन थीटा कैप से डिनोट करेंगे, आर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को आर कैप से। तो ई वेक्टर को ये लिख सकते हैं, ई आर आर कैप प्लस ई थीटा थीटा कैप, ये यूनिट वेक्टर है। तो जो फील्ड आपका आएगा इस पॉइंट पे वो आ जाएगा 2 KP कोस थीटा अपॉन आर क्यूब आर कैप प्लस KP साइन थीटा अपॉन आर क्यूब थीटा कैप, ये आ जाएगा। और अगर फील्ड का मैग्नीट्यूड चाहिए तो ये दोनों कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो क्या आ जाएगा, रूट ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर। रिजल्टेंट जो फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड ये आएगा, कितना आ जाएगा, ये इन दोनों का स्क्वायर लीजिए दोनों कंपोनेंट्स का और ऐड कर दीजिए, तो केपी अपॉन आर क्यूब ये तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रहेगा, 2 cos थीटा का स्क्वायर हो गया 4 cos² थीटा, और साइन थीटा का स्क्वायर होगा sin² थीटा। sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 होगा, तो इसको ये लिख सकते हैं केपी अपॉन आर 1 + 3 cos² थीटा, ये रिजल्टेंट फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा। डायरेक्शन क्या होगी रिजल्टेंट फील्ड की, रेडियल डायरेक्शन से कितने एंगल पे ये पॉइंट करेगा, अल्फा एंगल पे ये पॉइंट कर रहा है, अल्फा कैसे पता करोगे, रिजल्टेंट फील्ड दो फील्ड्स का वेक्टर सम है, ये रिजल्टेंट फील्ड है आपका। यहाँ पे रेडियल फील्ड तो आपका कितना था ई आर, और जो ट्रांसवर्स फील्ड था वो कितना था ई थीटा, इन दोनों का वेक्टर सम क्या है ई वेक्टर, जो अल्फा एंगल पे पॉइंट कर रहा है। तो इस ट्राइंगल में आप टेन अल्फा पता कर सकते हो, टेन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई थीटा अपॉन ई आर। तो रिजल्टेंट जो है वो आपका रेडियल डायरेक्शन से कितने एंगल पे इंक्लाइंड होगा, अल्फा एंगल पे, वेयर टेन अल्फा इज इक्वल टू ई थीटा अपॉन ई आर, और आप ई थीटा को ई आर से डिवाइड करो, तो ये इधर तो साइन थीटा बचेगा, नीचे 2 cos थीटा बचेगा, क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा, यानी ये आ जाएगा 10 θ/2। तो रिजल्टेंट रेडियल डायरेक्शन से कितने एंगल पे पॉइंट करेगा, 10 inverse 10 θ/2 पे। तो देखो इसमें कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। सर एक बार ये ई आर और एक बार ई थीटा दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो अभी अपन ने ये देखा था कि कोई भी अगर आपको डायपोल दिया हुआ है, जैसे ये डायपोल है, तो इस डायपोल के एक्सियल पॉइंट पे फील्ड कितना होगा, ये इसका एक्सियल पॉइंट है सेंटर से आर डिस्टेंस पे, यहाँ पे फील्ड किधर पॉइंट करेगा, पी के अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, और फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, केपी अपॉन आर क्यूब। अब यहाँ पे ये पी साइन थीटा, देखो पी साइन थीटा ये है, पी साइन थीटा के परपेंडिकुलर ये लाइन है आपकी आर वाली लाइन, तो इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है, यहाँ पे फील्ड पी साइन थीटा की वजह से किधर पॉइंट करेगा, पी साइन थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, जैसे यहाँ पे करता है इक्विटोरियल पॉइंट पे फील्ड पी के अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, वैसे ये पी साइन थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, इधर की ओर पॉइंट करेगा, इसको ई थीटा अपन बोलेंगे। एक्सप्रेशन क्या होगा, केपी अपॉन आर क्यूब, लेकिन ये ध्यान रखना है पी की जगह क्या रखेंगे, पी साइन थीटा रखेंगे। तो इसकी वजह से तो फील्ड आ गया ई थीटा, और इसकी वजह से फील्ड क्या आएगा, ई आर, पी कोस थीटा की वजह से क्या होगा, ई आर, रिजल्टेंट फील्ड इन दोनों का वेक्टर सम होगा। तो देखो इसमें कोई भी डाउट है तो इक्विटोरियल पॉइंट पे फील्ड क्या होगा, फिर अपन ने एक जनरल पॉइंट पे फील्ड कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि अपने को एक्सियल पॉइंट पे भी फील्ड पता था, इक्विटोरियल पॉइंट पे भी फील्ड पता था। तो मैं इस डायपोल मोमेंट जो है पी वेक्टर, इसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेता हूँ, पी कोस थीटा और पी साइन थीटा। पी कोस थीटा के लिए तो गिवन पॉइंट
एक्सियल पॉइंट हो जाएगा, और इस पी साइन थीटा के लिए गिवन पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट हो जाएगा। तो दोनों की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड पता कर लिया, दोनों का वेक्टर सम अपन ले लेते हैं, ये रिजल्टेंट फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां तक अपन इसको कर चुके हैं। अब नेक्स्ट देखिए, एक डाइपोल की वजह से किसी जनरल पॉइंट पे फील्ड का एक्सप्रेशन अपने को पता लग गया है। फील्ड आपका ये रहेगा, इज इक्वल टू, फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक रेडियल कंपोनेंट और एक ट्रांसवर्स कंपोनेंट। रेडियल कंपोनेंट तो ये रहेगा 2 kp कोस थीटा अपॉन आर क्यूब, और ट्रांसवर्स कंपोनेंट ये होगा kp साइन थीटा अपॉन आर क्यूब इंटू थीटा कैप। ये दोनों कंपोनेंट्स अपन ने पता कर लिए हैं। पोटेंशियल अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि डायपोल से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होगा, kp कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब एक डायपोल को अगर यूनिफॉर्म फील्ड में रखें तो डायपोल जो है वो कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, ये अपन कैलकुलेट करेंगे। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड, अगर मैं यूनिफॉर्म फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल को रखूं तो उस पर नेट फोर्स तो आपका जीरो रहेगा। जैसे मान लो कि फील्ड आपका यूनिफॉर्म है, राइटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, ये फील्ड है राइटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, फील्ड का मैग्नीट्यूड सभी जगह ई के बराबर है। अब अगर मैं कोई डायपोल है जिसको फील्ड से थीटा एंगल पे अलाइन करके मैं रखूं, ये डायपोल है आपका, पॉजिटिव चार्ज यहाँ लोकेटेड है प्लस क्यू, नेगेटिव चार्ज यहाँ लोकेटेड है माइनस क्यू, और डायपोल सेपरेशन आपको ये दिया हुआ है। अब प्लस क्यू के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो तो आपका फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, कितना होगा क्यू इंटू ई वेक्टर। फील्ड की डायरेक्शन से फोर्स कितना होता है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई फील्ड एट द लोकेशन ऑफ चार्ज। इसकी लोकेशन पे भी तो फील्ड वही है ई वेक्टर, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है तो इसके ऊपर फोर्स फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा इधर की ओर, माइनस क्यू ई वेक्टर। इन दोनों वेक्टर्स को अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा, जीरो। तो डायपोल पे यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर नेट फोर्स कितना रहेगा, जीरो, लेकिन टॉर्क तो लग सकता है क्योंकि इन दोनों ही फोर्सेस के लाइन ऑफ अप्लीकेशन सेम पॉइंट से पास नहीं हो रहे। तो ये एक कपल जो है यहाँ पे क्रिएट करेगा, दोनों फोर्सेस के लाइन ऑफ अप्लीकेशन के बीच चूंकि सेपरेशन यहाँ पे प्रेजेंट है तो एक कपल यहाँ पे फॉर्म होगा, और उसकी वजह से डायपोल आपका रोटेट होगा इस टाइप से। जैसे अगर मैं यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट इसका मान लेता हूँ, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पॉइंट कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पे इसको अपन ने रखा हुआ है, तो मैं अगर ओ के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करूँ, पहले मैं पॉजिटिव चार्ज पे कितना टॉर्क लग रहा है वो कैलकुलेट कर लेता हूँ, इसको tau1 वेक्टर से डिनोट कर देता हूँ। इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ, इस पॉइंट को बी बोल देता हूँ जहाँ पे नेगेटिव चार्ज लोकेटेड है। तो
प्लस क्यू के ऊपर कितना टॉर्क लगेगा, यहाँ पे फोर्स इस पॉइंट पे कितना लग रहा है, क्यू ई वेक्टर, इस पॉइंट का ओ के अबाउट पोजिशन वेक्टर कितना है, ओ ए वेक्टर, तो टॉर्क आपका होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, तो इसको ये लिख सकता हूँ ओ ए वेक्टर क्रॉस क्यू ई वेक्टर। आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहे हैं जिनके लाइन ऑफ अप्लीकेशन डिस्प्लेस्ड है, तो लाइन ऑफ अप्लीकेशन के बीच सेपरेशन पता कर लो, ये डी साइन थीटा के बराबर आएगा, और इसको फोर्स क्यू ई से मल्टीप्लाई करोगे तो टॉर्क आ जाएगा क्यू ई डी साइन थीटा। लेकिन अपन यहाँ पे इसको प्रॉपर वे में जो एक्सप्रेशन है वो निकाल रहे हैं, तो पहले ओ के अबाउट अपन इस क्यू के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है क्यू ई वेक्टर, उसकी वजह से कितना टॉर्क लगेगा वो कैलकुलेट करेंगे आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर के फॉर्मूला से, वो कितना आएगा ओ ए वेक्टर इंटू क्यू ई वेक्टर। क्यू को तो आप कॉमन ले लो, इसको ये लिख सकते हैं क्यू इंटू ओ ए वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। इसी तरह से किस टाइप का टॉर्क है ये आपका, क्लॉकवाइज टॉर्क। ओ के अबाउट अगर अपन देखेंगे तो किस टाइप से रोटेट करेगा, अगर इधर फोर्स लगाएंगे तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। इसी तरह से अपन बी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से टॉर्क कैलकुलेट करते हैं, ये टॉर्क भी आपका क्लॉकवाइज होगा, ये कितना रहेगा ये कैलकुलेट करो, इसको लिख सकते हैं ओ बी वेक्टर क्रॉस माइनस क्यू ई वेक्टर। माइनस क्यू ओ बी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, और जो नेट टॉर्क है ओ के अबाउट वो कितना आ जाएगा, नेट टॉर्क ये आ जाएगा टाउ वन वेक्टर प्लस टाउ टू वेक्टर। टाउ वन वेक्टर की वैल्यू तो यहां से रख देता हूं और टाउ टू वेक्टर की वैल्यू यहां से रखूंगा, तो टाउ वन वेक्टर जो है वो ये आ जाएगा क्यू इंटू ओ ए वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर माइनस क्यू इंटू ओ बी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। इसमें क्यू जो है उसको कॉमन ले लेते हैं और ई वेक्टर को भी कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर क्या बच जाएगा ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, ये रह जाएगा। अब आपको ये पता है कि यहाँ पे जो ओ ए वेक्टर है इसमें से अपन ओ बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ओ बी वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ बी ओ वेक्टर, माइनस ओ बी वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ बी ओ वेक्टर, तो ये आ जाएगा ओ ए वेक्टर प्लस बी ओ वेक्टर, तो बी ओ वेक्टर प्लस ओ ए वेक्टर क्या हो जाएगा बी ए वेक्टर, तो इसको अपन ये लिख सकते हैं बी ए वेक्टर। तो यहां पे मैं ये लिख देता हूं क्यू इंटू बी ए वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ये जो बी ए वेक्टर है ये क्या हो जाएगा, ये आपका डाइपोल सेपरेशन है जिसको अपन डी से डिनोट करते हैं, तो इसको डी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये आ जाएगा क्यू डी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। क्यू डी वेक्टर क्या हो गया, डाइपोल मोमेंट वेक्टर, तो टॉर्क वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ये टॉर्क का एक्सप्रेशन हो जाएगा। टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है वो तो कितना आएगा पी साइन थीटा, टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है वो तो अपन पी साइन थीटा से डिनोट करेंगे, और इसकी जो डायरेक्शन है वो किससे देंगे, राइट हैंड रूल से, अपन पी की ओर फिंगर्स को ले जाएंगे और ई की ओर कर्ल करेंगे, थंब जिधर पॉइंट करेगा टॉर्क वेक्टर की वही डायरेक्शन रहेगी। तो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है यही इंटरेस्टिंग है, पी साइन थीटा आ रहा है, थीटा अगर बहुत स्मॉल हो तो टॉर्क आपका किसके प्रोपोर्शनल होगा, थीटा के प्रोपोर्शनल होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क ये है ही। रिस्टोरिंग टॉर्क क्यों है, क्योंकि अगर आप डाइपोल को थोड़ा सा रोटेट करके छोड़ दो, जैसे ये मान लीजिए आपका यूनिफॉर्म फील्ड है जो राइटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, ये यूनिफॉर्म फील्ड है, डाइपोल को थोड़ा सा रोटेट करके आपने छोड़ दिया है, ये पी वेक्टर आपका हो गया, डायपोल मोमेंट इधर पॉइंट कर रहा है, ये थीटा काफी स्मॉल है मान लीजिए, तो इसके ऊपर टॉर्क लगेगा और वो जो टॉर्क है वो किधर की ओर लगेगा, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर की डायरेक्शन में लगेगा, तो पी से ई की ओर ये रहेगा, क्लॉकवाइज रहेगा टॉर्क।
टॉर्क क्लॉकवाइज है, इसका मतलब आपने इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो एंटी क्लॉकवाइज दिया, लेकिन ये घूम किधर रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यानी ये जो टॉर्क लगेगा ये कैसा होगा? रेस्टोरिंग टॉर्क होगा। रेस्टोरिंग टॉर्क को आप माइनस साइन से आप डिनोट करते हो, तो इस टाइप से इसको डिनोट कर सकते हो, माइनस पी ई थीटा। माइनस साइन इस चीज को डिनोट कर रहा है कि टॉर्क आपका थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, रेस्टोरिंग टॉर्क है। और इसको मैं आई अल्फा से इक्वेट कर सकता हूँ, टॉर्क को इज इक्वल टू माइनस पी ई थीटा। तो यहां से अल्फा कितना आएगा? माइनस पी ई अपॉन आई इंटू थीटा। यानी अगर आप डाइपोल को थोड़ा सा रोटेट करके छोड़ोगे तो वो मीन पोजीशन जो है, ये जो पोजीशन होगी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, क्योंकि इसमें तो कोई टॉर्क लगेगा नहीं, थीटा आपका जीरो हो जाएगा, साइन जीरो क्या रहेगा? जीरो, क्योंकि टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है? पी साइन थीटा। तो अगर थीटा जीरो है तो टॉर्क की वैल्यू क्या रहेगी? जीरो रहेगी। जब थीटा आपका जीरो रहेगा इस केस में, अगर ये केस मैं लूँ थीटा इज जीरो, तो इस एक्सप्रेशन से टॉर्क की वैल्यू कितनी आएगी? जीरो आएगी। टॉर्क जीरो है, इसका मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है ये, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर डायपोल है। तो ये जो पोजीशन है ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। अगर थीटा इक्वल टू पाई लेते तो वो भी रोटेशनल इक्विलिब्रियम होता, लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो यहाँ से तो मैं अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस करूँ तो कैसा टॉर्क लग रहा है? क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहा है, वापस मेन पोजीशन की ओर रोटेट होगा इधर की ओर। यानी ये जो इक्विलिब्रियम पोजिशन है ये कैसा है? स्टेबल पार्टिकल एस एच एम करेगा इस पोजिशन के अबाउट। लेकिन अगर मैं ये केस लेता हूँ थीटा इज इक्वल टू पाई, टॉर्क तो यहाँ पे भी जीरो होगा क्योंकि साइन पाई क्या होगा? जीरो होगा। तो टॉर्क यहाँ पे भी है जीरो, यानी ये भी रोटेशनल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन हो गई, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। लेकिन क्या ये स्टेबल है? नहीं। नो सर, थोड़ा भी दिक्कत वो रोटेट कर जाएगा सर। अगर मान लो फील्ड इधर पॉइंट कर रहा है, इनिशियली डायपोल आपका इधर पॉइंट कर रहा था, इधर की ओर डायपोल था, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में डायपोल पॉइंट कर रहा था, तो इक्विलिब्रियम में था। अब थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस करके देखो, इधर डिस्प्लेस कर दिया, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अब इस पे टॉर्क किधर लगेगा? पी क्रॉस ई की डायरेक्शन में। यानी इस पे तो टॉर्क क्लॉकवाइज ही लगेगा, आपने क्लॉकवाइज इसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिया और ये फर्दर किस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट हो रहा है। तो इस पोजीशन में अगर है तो थोड़ा सा भी डिस्प्लेस कर दिया तो ये फर्दर रोटेट करेगा टॉर्क की वजह से, ये वापस इधर की ओर अलाइन होना चाहेगा। पोजीशन आपकी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन से अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हो सिस्टम को, तो सिस्टम एस एच एम करता है, और एस एच एम के अंदर आपको ये पता है एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट के। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, जहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, सॉरी ओमेगा क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एस एच एम, यानी टाइम पीरियड ऑफ दिस एस एच एम इज 2π अपॉन ओमेगा, जिसको अपन ये लिख सकते हैं 2π रूट आई अपॉन पी। ये टाइम पीरियड होगा एस एच एम का। तो अगर आप थीटा इक्वल टू जीरो वाली पोजीशन से इस डायपोल को थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करोगे तो ये डायपोल जो है ये आपका एस एच एम करेगा। थीटा इक्वल टू पाई वाली पोजीशन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। मैक्सिमम टॉर्क कहाँ एक्ट होगा? जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा 1 के बराबर, जो आपकी थीटा इक्वल टू पाई बाई टू वाली पोजीशन होगी, ये केस रहेगा आपका। थीटा इक्वल टू पाई बाई टू पे अगर आप देखोगे तो टॉर्क की वैल्यू क्या रहेगी? मैक्सिमम रहेगी। कितनी? पी के बराबर। तो अगर जैसे फील्ड इधर आपका पॉइंट कर रहा है, तो डायपोल अगर इसके परपेंडिकुलर लोकेटेड है, चाहे ऊपर की ओर हो चाहे नीचे की ओर, तो उस केस में टॉर्क जो है वो आपका कितना लगेगा? मैक्सिमम लगेगा। इस पे टॉर्क आपका मैक्सिमम होगा।
तो ये एक्सप्रेशन है आपका, ये आपको ध्यान में रखना है, जो टॉर्क है डाइपोल के ऊपर यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर जो टॉर्क लगेगा उसका एक्सप्रेशन ये होगा पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। और ये ध्यान रखना है कि अगर आप थीटा इक्वल टू जीरो वाली पोजीशन से डाइपोल को थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करोगे तो डाइपोल जो है वो आपका एस एच एम करेगा। अब डाइपोल जो है उसको अगर आप कोई भी चार्ज है उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखोगे, तो उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। यहाँ पे दो चार्जेज हैं क्यू और माइनस क्यू, एग्जैक्टली सेम लोकेशन पे होते तब तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती क्योंकि नेट चार्ज जीरो हो जाता, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज थोड़े से डिस्प्लेस्ड हैं। तो इनको अगर आप फील्ड के अंदर रखते हो तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी तो इनके पास रहेगी। वो जो पोटेंशियल एनर्जी है डाइपोल की वो अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अपन यहाँ पे देखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी किस टाइप से कैलकुलेट करेंगे। फिर ये भी देखेंगे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन में तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो थीटा इक्वल टू जीरो की केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए मिनिमम, वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए मैक्सिमम। तो नेक्स्ट अपन वही देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड, देखिए ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल एनर्जी किस टाइप से कैलकुलेट करेंगे। कोई भी सिस्टम है उस सिस्टम को अपन थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं। यहाँ पे चूंकि डाइपोल के रोटेशन की बात है, डाइपोल को थोड़ा सा अगर मैं रोटेट करूँ उस रोटेशन के दौरान इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा कितना वर्क डन होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड तो कंजर्वेटिव फील्ड है तो इसके द्वारा वर्क डन को अपन नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से इक्वेट कर देंगे, उससे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कैलकुलेट कर पाएंगे। तो जैसे मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका राइटवार्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है इधर की ओर, इनिशियली मान लो डाइपोल आपका थीटा एंगुलर पोजिशन पे है, इधर की ओर पॉइंट कर रहा है आपका डाइपोल थीटा एंगुलर पोजिशन पे है। अब इसको मैं फर्दर रोटेट कर रहा हूँ, आपको ये पता है थीटा एंगुलर पोजीशन पे जब डायपोल होगा तो इस पे टॉर्क लगेगा, ये टॉर्क किधर की ओर लगेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा। कितना टॉर्क लगेगा, टॉर्क की वैल्यू आप पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर से दे सकते हो, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर से, और इस टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगा पी साइन थीटा के बराबर। ये अब मैं क्या करता हूँ, इस टॉर्क तो क्लॉकवाइज लग रहा है, मैं इस टॉर्क के अगेंस्ट वर्क करते हुए एक्सटर्नल वर्क कर रहा हूँ, इस टॉर्क के अगेंस्ट मैं इसको फर्दर डी थीटा से रोटेट करता हूँ, फर्दर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डी थीटा से रोटेट कर देता हूँ, इधर की ओर रोटेट कर दिया फर्दर डी थीटा से। तो मेरे को कुछ वर्क करना पड़ेगा, वही वर्क इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। तो एक तरीका तो ये है कि अपन वो एक्सटर्नल वर्क कैलकुलेट कर लें, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने रोटेट किया है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने के लिए जो वर्क करना पड़ा इस टॉर्क के अगेंस्ट वो अपन कैलकुलेट कर लें, वही किसके बराबर होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा तरीका है अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स लगेगा उसकी वजह से जो टॉर्क आपका एक्ट हो रहा है उसके द्वारा वर्क डन कैलकुलेट करें, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, तो इसमें ये रिलेशन भी आपका अप्लीकेबल होगा। या फिर आप एक्सटर्नल जो टॉर्क आप लगा रहे हो उसकी वजह से कितना वर्क कैलकुलेट
वर्क करना पड़ा वो कैलकुलेट करो, उसको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से इक्वेट करो। तो मैं यहाँ पे ये जो सेकंड मेथड है ये मैं प्रेफर करूँगा, क्योंकि मेरे को ये पता है जो टॉर्क आपका लग रहा है वो कैसा है, क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो जो वर्क डन होगा इस इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क की वजह से उसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस टाउ डी थीटा। माइनस साइन इसलिए लगाया है क्योंकि टॉर्क तो क्लॉकवाइज है और डी थीटा कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। वर्क डन आपका क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क वेक्टर डॉट डी थीटा वेक्टर, ये होता है वर्क डन। तो अगर टॉर्क और डी थीटा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, दोनों एंटी क्लॉकवाइज हैं या दोनों क्लॉकवाइज हैं, तब तो ये पॉजिटिव रहेगा, लेकिन एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस साइन आएगा। तो यहाँ पे टॉर्क क्लॉकवाइज है, डी थीटा एंटी क्लॉकवाइज है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, माइनस टाउ डी थीटा। टाउ की वैल्यू आप रख दीजिए माइनस पीई साइन थीटा डी थीटा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक जो वर्क डन है वो किसके बराबर होगा, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकाल लेता हूँ, ये किसके बराबर आएगा, पीई साइन थीटा डी थीटा, और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करें, तो यहाँ पे आपको कोई रेफरेंस पोजीशन माननी पड़ेगी। जैसे ट्रांसलेशन के केस में तो अपन क्या करते हैं, दो चार्जेज है, पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे, इन्फिनिटी को रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, वहां से एक टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं। यहाँ पे अपन किसी एंगुलर पोजिशन को रेफरेंस पोजिशन मानेंगे, जहाँ पे अपन डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेंगे। तो मैं थीटा इक्वल टू पाई बाई टू वाली जो पोजीशन है उसको अज्यूम कर लेता हूँ कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री या पाई बाई टू वाली जो पोजीशन है वो रेफरेंस पोजीशन है पोटेंशियल एनर्जी के लिए। वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को अपन क्या लेंगे, जीरो। पहले इसको यू एट पाई बाई टू ही लिख देता हूँ, और किसी एंगल थीटा पे पोटेंशियल एनर्जी को यू एट थीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, यू एट थीटा माइनस यू एट पाई बाई टू, और राइट हैंड साइड को इंटीग्रेट करोगे, पी तो कांस्टेंट है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस थीटा। इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे थीटा, लोअर लिमिट पुट किया पाई बाई टू, कोस पाई बाई टू तो जीरो ही होता है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस पी कोस थीटा, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे अपने को ये पता लग गया है कि यू एट थीटा माइनस यू एट पाई बाई टू, ये जो डिफरेंस आएगा ये कितना आएगा, माइनस पी कॉस थीटा के बराबर आएगा। लेकिन थीटा इक्वल टू पाई बाई टू को अपन ने क्या माना है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस पोजीशन माना है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी अपन जीरो लेंगे, रेफरेंस पोजीशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी अपन जीरो ले लेंगे। तो अगर यहाँ पे जीरो अज्यूम कर लेते हैं, यू एट पाई बाई टू को जीरो मान लिया अपन ने, तो इसकी जगह आप जीरो पुट कर दीजिए, तो अपने पास क्या आ जाएगा, थीटा एंगुलर पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी होगी डाइपोल की माइनस पी कॉस थीटा, जिसको आप ये भी लिख सकते हो माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। तो पोटेंशियल एनर्जी का ये एक्सप्रेशन आ जाएगा माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, यानी जैसे डायपोल अगर मान लो फील्ड के अलोंग अलाइंड है, पी वेक्टर इधर पॉइंट कर रहा है, ई वेक्टर भी इधर पॉइंट कर रहा है, तब तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम होगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजिशन हो गई। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, कोस जीरो वन हो जाएगा, दोनों के बीच में एंगल जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी के बराबर होगी। और अगर मान लो फील्ड आपका इधर पॉइंट कर रहा है, पोटेंशियल ये डाइपोल मोमेंट इधर पॉइंट कर रहा है, तो ये तो रेफरेंस पोजीशन हो गई, जिसमें अपन ने पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान लिया था, जीरो मान लिया था। और अगर ये सिचुएशन है, ई इधर पॉइंट कर रहा है, पी इधर पॉइंट कर रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल जो है वो आपका पाई होगा, कोस पाई माइनस वन होता है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी प्लस पी के बराबर। तो ये तीन पोजीशंस हो गई जिनमें पोटेंशियल एनर्जी जो है इस केस में आपकी मिनिमम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है,
जहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है। टॉर्क तो जीरो है लेकिन पोटेंशियल में। तो देखिए इसमें कोई भी डाउट है पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका एक्सप्रेशन कैलकुलेट करने में तो आप पूछ लीजिए। देखो इसमें कोई भी डाउट है तो आपने रेफरेंस पॉइंट जहां से लिया वो एक बार दोबारा बता देंगे? रेफरेंस पॉइंट अपन अज्यूम करते हैं, ये रेफरेंस पोजीशन ये अपन ने अज्यूम किया है जो थीटा इक्वल टू पाई बाई टू है उसको मैंने रेफरेंस पोजीशन माना है। तो जो रेफरेंस पोजीशन अपन अज्यूम करते हैं वहाँ पे अपन पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं कि इस पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो है। यहाँ पे कुछ और अज्यूम करते तो बाकी पोजीशंस पे भी पोटेंशियल एनर्जी अकॉर्डिंगली चेंज होती है आपकी। अपन ने किसी एक पोजीशन में अज्यूम कर लिया कि यहाँ पे अपन मान के चलेंगे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, बाकी एंगुलर पोजिशंस में उसके रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी अपन कैलकुलेट करते हैं। तो ये अपन मान के चलते हैं कि रेफरेंस पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एक रिलेटिव क्वांटिटी है, इसका केवल डिफरेंस डिफाइन होता है। डिफरेंस तो अपन ने कैलकुलेट कर लिया, अब एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अपने को क्या पता करना होगा, किसी एक पॉइंट पे तो पता हो कि पोटेंशियल एनर्जी, किसी एक एंगुलर पोजिशन में पता हो कि कितनी है पोटेंशियल एनर्जी, बाकी एंगुलर पोजिशन में उसके रिलेटिव अपन कैलकुलेट करेंगे। सर यार डी थीटा एंटी क्लॉकवाइज क्यों है? डी थीटा एंटी क्लॉकवाइज ही है और किधर है, देखो एरो जो है इसको किधर रोटेट कर रहे हो, डी थीटा से इधर रोटेट कर रहे हो। अगर ऐसे रोटेशन आप देते हो तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, एंटी क्लॉकवाइज हुई कि नहीं। पहले ऐसे था डायपोल फिर इसको इधर रोटेट किया अपन ने, तो डी थीटा कैसे हुआ, एंटी क्लॉकवाइज हुआ। यस। एक सेकेंड थोड़ा सा वेट कीजिएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, अपन ने यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी अपन ने लिख लिया है। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितना आया है, पॉइंट डाइपोल अपन माने तो ये एक्सप्रेशन आपका हमेशा अप्लीकेबल होगा, फील्ड चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, क्योंकि जब पॉइंट डाइपोल है तो किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे वो आपका लोकेटेड होगा, उस पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपन डाइपोल के लिए पूरे डायपोल के लिए कांस्टेंट ही लेंगे उस पॉइंट पे। तो ये जो एक्सप्रेशन है आपका पोटेंशियल एनर्जी का, ये चाहे फील्ड यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, पॉइंट डायपोल के लिए ये आपका हमेशा अप्लीकेबल है। पी
वेक्टर क्या हो गया, डायपोल का डायपोल मोमेंट, ई वेक्टर क्या हो गया, डायपोल की लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड, चूंकि डायपोल एक पॉइंट डायपोल है तो उसकी लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की एक पार्टिकुलर वैल्यू ही होगी। तो अगर मान लीजिए कि यूनिफॉर्म फील्ड में अपन डायपोल को रखते हैं तब तो उसके ऊपर फोर्स कितना रहेगा, जीरो। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में अगर डायपोल को आपने प्लेस किया है तो डायपोल पे जो फोर्स लगेगा उस फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होगा वो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी फोर्स ऑन डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म फील्ड में तो आपको पता है जैसे फील्ड आपका यूनिफॉर्म है, तो अगर आपने एक डायपोल को यहाँ पे प्लेस कर दिया है तो दोनों चार्जेस पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लगेंगे। यहाँ पे क्यू चार्ज है, इस पे फोर्स कितना लगेगा, क्यू ई, और माइनस क्यू चार्ज जो है उस पे फोर्स कितना लगेगा, माइनस क्यू ई। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे दोनों फोर्सेस, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। एफ जो है वो कितना आ जाएगा, जीरो। लेकिन अगर मान लो पॉइंट डायपोल है, इसको नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है, तब अपन फोर्स का एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे। फील्ड आपका नॉन यूनिफॉर्म है तो फोर्स का एक्सप्रेशन अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको डिफ्रेंशिएट करके भी अपन फोर्स निकाल सकते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो एक रिलेशन मैंने बताया था 11th के अंदर, वर्क पावर एनर्जी में फोर्स को अपन ये लिखते हैं। वन डायमेंशनल केस में तो माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स लिख सकते हो, लेकिन अगर मान लो कि थ्री डायमेंशनल केस है, पोटेंशियल एनर्जी आपकी एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड कर रही है, तो इसको इस टाइप से लिखते हैं अपन, माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई जे कैप और माइनस डेल यू अपॉन डेल जेड के कैप। और अगर आपको ध्यान हो तो इसको अपन ने ऐसे लिखा था, ये जो क्वांटिटी है इसको इस टाइप से अपन ने एक्सप्रेस किया था, एफ इक्वल टू माइनस, माइनस कॉमन ले लो, यू को भी कॉमन ले लो, तो अंदर जो आपका ऑपरेटर है उसको अपन इस नेबुला सिंबल से अपन डिनोट करते हैं, इसको डेल ऑपरेटर बोलते हैं, डेल यू या ग्रेडियंट यू। ये रिलेशन आपका रहेगा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो आप U की वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए तो आपका फोर्स का जो एक्सप्रेशन है वो आ जाएगा। तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में अगर फोर्स निकालना है डायपोल पे तो फोर्स का एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, F वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल U की वैल्यू आप ये पुट कर दीजिए, डायपोल के लिए पोटेंशियल एनर्जी ये हो जाएगी माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे तो फोर्स का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू डेल पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, ये एक्सप्रेशन अपने पास आ जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन को आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, अगर आप पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर जो है उसको लिखो तो क्या लिखोगे, ये जो p वेक्टर डॉट e वेक्टर है इसको आप क्या लिखोगे, पी एक्स सी एक्स प्लस पी वाई ई वाई प्लस पी जेड ई जेड, ये आप इसको लिखोगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक सेकंड थोड़ा सा वेट कीजिएगा, सकते हैं डेल यहां पे ये जो टर्म आपके पास है पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, इसको मैं ये लिख देता हूं पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, ई आ जाएगा पी एक्स सी एक्स प्लस पी वाई ई वाई प्लस पी जेड ई जेड, ये अपने पास आएगा। और ये जो ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर के बारे में आपको पता है डेल ऑपरेटर, ये क्या होता है, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप डेल अपॉन डेल वाई जे कैप
डेल अपॉन डेल जेड के कैप, ये डेल ऑपरेटर है आपका। तो एफ वेक्टर को अपन इस टाइप से लिख सकते हैं, एफ वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे ये जो टर्म है ये अपन रख देते हैं पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर की जगह, अपने पास ये आ जाएगा डेल ऑफ पी एक्स सी एक्स प्लस पी वाई ई वाई प्लस पी जेड ई जेड, ये अपने पास आएगा। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ पी एक्स, ये तो आपका पी एक्स पी वाई पी जेड, ये तो डाइपोल मोमेंट के कंपोनेंट्स हैं, तो डाइपोल मोमेंट तो आपका कांस्टेंट ही होगा, डाइपोल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपका पॉइंट कर रहा है, तो पी एक्स पी वाई और पी जेड तो कांस्टेंट है, इनको आप बाहर निकाल सकते हो। ये आ जाएगा पी एक्स इंटू डेल ई एक्स प्लस पी वाई इंटू डेल ई वाई प्लस पी जेड इंटू डेल ई जेड, ये आपके पास रहेगा। अब ये जो डेल ई एक्स है इसको अपन फर्दर सोल्व करते हैं, डेल ई एक्स ये किसके बराबर होगा, डेल ई एक्स की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो डेल ऑपरेटर के अंदर इस ई एक्स को अपन पुट कर देते हैं, अपने पास ये आएगा डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, और बाहर अपन ये ई एक्स जो है ये अपन यहाँ पे पुट कर देते हैं, इसको अपन ये लिख सकते हैं डेल ई एक्स अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ई एक्स अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल ई एक्स अपॉन डेल जेड के कैप। अब ये ध्यान दीजिएगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो आपका कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। आपको ध्यान होगा मैंने 11th में एक छोटा सा चीज आपको ये बताया था कि कोई भी फील्ड अगर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है तो उसका कर्ल जो है वो आपका जीरो होता है, कोई भी फोर्स आपका कंजर्वेटिव होता है, आपको याद होगा। अगर एफ वेक्टर एक कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसका कर्ल आपका जीरो होना चाहिए, इफ एफ वेक्टर इज कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड तो इसके कर्ल की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, जीरो। ये आपको ध्यान होगा मैंने 11th में आपको कराया था। तो वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड फोर्स फील्ड जो है वो आपका एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील्ड अगर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है तो उसके लिए कर्ल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। डेल क्रॉस ई क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ये आपका जीरो होना चाहिए। तो इस कंडीशन को अगर मैं अप्लाई करूं, इसको मैं डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लेता हूं, पहली रो में तो आई कैप जे कैप के कैप रहेगा, दूसरी रो में डेल ऑपरेटर के जो कंपोनेंट्स हैं वो लिखेंगे डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई अपॉन डेल जेड, और तीसरी रो में ई वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखेंगे ई एक्स ई वाई ई जेड, इसको अपन जीरो से इक्वेट कर देते हैं। अब इसको अगर मैं एक्सपेंड करूं तो आई कैप वाली टर्म्स तो ये रहेगी आई कैप इंटू डेल ई जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल ई वाई अपॉन डेल जेड, जे कैप वाली टर्म ये आएगी डेल एक्स डेल अपॉन डेल एक्स ई जेड माइनस डेल अपॉन डेल जेड, इसको ऑपरेट करेंगे ई एक्स पे, फिर के कैप वाली टर्म अपन लिखेंगे, के कैप वाली टर्म ये आ जाएगी आपकी डेल अपॉन डेल एक्स, इसको ऑपरेट करना ई वाई पे माइनस डेल अपॉन डेल वाई को ऑपरेट करेंगे ई एक्स पे, इज इक्वल टू जीरो। जीरो का मतलब क्या हो गया, जीरो आई कैप जीरो जे कैप जीरो के कैप, तो इन तीनों जो आई कैप जे कैप और के कैप के कोफिशियंट्स हैं इनको अपन जीरो से इक्वेट कर सकते हैं, और यहां से अपन ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो डेल ई जेड अपॉन डेल वाई है इसको तो अपन क्या लिख सकते हैं, डेल ई वाई अपॉन डेल जेड,
ये अपन लिख सकते हैं, ये जो डेल ईजेड अपॉन डेल एक्स है इसको अपन क्या लिखेंगे, डेल ई एक्स अपॉन डेल जेड, और इसी तरह से जो डेल ई वाई अपॉन डेल एक्स है इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, डेल ई एक्स अपॉन डेल वाई के बराबर। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे, ये जो टर्म है इसको तो एज इट इज लिखेंगे, डेल ई एक्स अपॉन डेल एक्स, ये जो टर्म आपके पास है डेल ई एक्स अपॉन डेल वाई, इसको अपन डेल ई एक्स अपॉन डेल वाई, इसकी जगह अपन क्या रखेंगे, डेल ई वाई अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ पे पहली जो टर्म है इसको तो मैं एज इट इज रखता हूँ, यहाँ पे जो डेल ई एक्स की वैल्यू है वो अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, पहली टर्म तो वही रहेगी डेल ई एक्स अपॉन डेल एक्स आई कैप, दूसरी जो टर्म है इसमें डेल ई एक्स अपॉन डेल वाई की जगह अपन ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, डेल ई एक्स अपॉन डेल वाई की जगह डेल ई वाई अपॉन डेल एक्स पुट कर देंगे, डेल ई वाई अपॉन डेल एक्स पुट कर देते हैं, और तीसरी जो टर्म है उसमें डेल ई एक्स अपॉन डेल जेड की जगह क्या पुट करेंगे, डेल ई जेड अपॉन डेल एक्स ये पुट कर देंगे, डेल ई जेड अपॉन डेल एक्स के कैप। यानी ये जो टर्म है इसको अपन ये अंदर क्या आ जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स अंदर आ जाएगा, ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप, ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप ई जेड के कैप, ये आपके पास आएगा। यानी इसको आप ये लिख सकते हो डेल ई वेक्टर अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो पहली टर्म आपके पास थी ये टर्म, इसको अपन क्या लिख रहे हैं, डेल ई वेक्टर अपॉन डेल एक्स। तो मैं एफ वेक्टर को ये लिख सकता हूँ, एफ वेक्टर इज इक्वल टू पी एक्स इंटू जो डेल ई एक्स है इसकी वैल्यू अपन ने ये लिख लिया है, तो इसको अपन ये लिखेंगे डेल ई वेक्टर अपॉन डेल एक्स। इसी तरह से सिमिलर वे में जो डेल ई वाई है उसको क्या लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल वाई ई वेक्टर, तो इसकी जगह ये आ जाएगा पी वाई डेल ई वेक्टर अपॉन डेल वाई, और जो डेल ई जेड है इसकी जगह अपन सिमिलर वे में क्या लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल जेड ई वेक्टर, तो यहाँ पे आ जाएगा पी जेड डेल अपॉन डेल जेड ई वेक्टर। ये पूरा मैथमेटिकल पार्ट है आपका, और यहां से देखिए ये अपने पास आ जाएगा एक्सप्रेशन, ई वेक्टर को तो आप कॉमन ले सकते हो, अंदर क्या रहेगा पी एक्स डेल अपॉन डेल एक्स प्लस पी वाई डेल अपॉन डेल वाई प्लस पी जेड डेल अपॉन डेल जेड ई वेक्टर, ये आपके पास आ जाएगा। और आपको अगर इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट लेना है, जैसे एक तो आपका ये है पी वेक्टर जिसके तीन कंपोनेंट हैं पी एक्स आई कैप पी वाई जे कैप पी वाई जे कैप पी जेड के कैप, अगर मैं इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट ले लूं पी वेक्टर डॉट डेल अगर कैलकुलेट कर, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, पी एक्स डेल अपॉन डेल एक्स पी वाई डेल अपॉन डेल वाई पी जेड डेल अपॉन डेल जेड। तो ये जो पूरी टर्म है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन पी वेक्टर एंड डेल ऑपरेटर। तो आपका जो फोर्स है उसका एक्सप्रेशन ये आ जाएगा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर डॉट डेल वेक्टर ई वेक्टर। तो वेरिएबल जो फील्ड है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो डाइपोल के ऊपर फोर्स का एक्सप्रेशन आएगा वो ये रहेगा आपका। आप ये जो मैथमेटिकल पार्ट है इसको अगर आप अवॉइड करना चाहो, यहाँ से देखिए ये यहाँ तक भी अगर आप याद रखेंगे तो सफिशियंट है। जो फोर्स है उसको अपन ये लिखते हैं माइनस डेल यू, यू की वैल्यू आपको पता है माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, तो यू की वैल्यू पुट करोगे तो फोर्स ही आ जाएगा डेल पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। अगर यहां तक भी आप लिख पा रहे हो तो आगे फर्दर आप सोल्व कर सकते हो उसको, लेकिन इसी को अगर अपन इस फॉर्म में अरेंज करके लिखें तो ज्यादा बेटर है। तो इसको अरेंज करने के लिए ये जो पूरा पार्ट है ये आपका मैथमेटिकल पार्ट है,
यहाँ पे आपको पहले तो क्या करना है, ये जो पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर है इनका डॉट प्रोडक्ट मैं ये लिख लेता हूँ, पी एक्स ई एक्स पी वाई ई वाई पी जेड ई जेड, ये वैल्यू अपन यहाँ पे रख देते हैं इस ब्रैकेट के अंदर। और फिर इस डेल को अगर अपन ऑपरेट करें इन तीनों टर्म्स के ऊपर, तो पी एक्स पी वाई पी जेड ये तो कॉन्स्टेंट है, डेल आपका ई एक्स पे ऑपरेट होगा, यहाँ पे ई वाई पे ऑपरेट होगा, यहाँ पे ई जेड पे ऑपरेट होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में अपन ये प्रूव कर रहे हैं कि ये जो डेल ई एक्स है बेसिकली ये किसके बराबर होगा, डेल ई एक्स जो है उसको अपन ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, डेल ई एक्स अपॉन डेल वाई जो है इसकी जगह तो अपन ये लिख देते हैं डेल ई वाई अपॉन डेल एक्स, और ये इसकी जगह अपन ये लिख देते हैं डेल ई जेड अपॉन डेल एक्स। तो ये तीनों जो टर्म है ये डेल अपॉन डेल एक्स की टर्म्स में ये आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, और यहां से अपन इसको ये लिख सकते हैं डेल ई वेक्टर अपॉन डेल एक्स। तो जैसे अपन ने डेल ई एक्स की वैल्यू अपन ने ये लिखी है, वैसे ही अपन डेल ई वाई की वैल्यू अपन लिखेंगे, डेल ई वाई क्या हो जाएगा, डेल ई वाई इज इक्वल टू डेल ई वेक्टर अपॉन डेल वाई, और जो डेल ई जेड है उसको अपन क्या लिखेंगे, डेल ई वेक्टर अपॉन डेल जेड। जैसे ये एक्सप्रेशन अपन ने निकाला है वैसे ये वैल्यूज आपकी रहेंगी, इन सब वैल्यूज को आप इस एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए, ये जो एक्सप्रेशन आपका है डेल ई एक्स डेल ई वाई और डेल ई जेड की वैल्यू आप पुट कर दीजिए तो ये आपके पास आ जाएगा। और इसको फर्दर आप इस टाइप से लिख सकते इन टू ई वेक्टर। कैसे इसको यूज करना है इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स भी अपन देखेंगे, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं तो उसके ऊपर कुछ एक प्रॉब्लम्स जो है वो अपन लेंगे। ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना होगा, ये डेरिवेशन अगर याद ना भी रहे क्योंकि ये मैथमेटिकल पोर्शन है आपका, इसमें दो ही चीजें अपन ने ये पार्टिकुलरली यही चीज अपन ने यूज की है, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड वाली जो कंडीशन है ये अपन ने इसमें यूज किया, अदरवाइज ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। तो ये एक्सप्रेशन आप अगर याद रखते हो तो सोल्व करने में, क्वेश्चंस को सोल्व करने में ज्यादा आसानी होगी। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पे जो फोर्स लगेगा उसका वैल्यू ये रहेगा पी वेक्टर डॉट डेल वेक्टर इंटू ई वेक्टर। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं इसके ऊपर लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कि किसी रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका नॉन यूनिफॉर्म है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है एक्स आई कैप प्लस वाई स्क्वायर बाई टू जे कैप। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो इस नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर रखा हुआ है, पॉइंट डाइपोल है तो किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे ही आपका लोकेटेड होगा, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अपने को दिए हुए हैं। जैसे मान लो इस पॉइंट के ऊपर रखा हुआ है 3,2 पे रखा हुआ है और ये हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है मान लीजिए 53 डिग्री या 37 ले लेता हूँ 37 डिग्री, इस पॉइंट पे डायपोल रखा हुआ है, पॉइंट डायपोल है यहाँ पे तो अपन ने एरो से डिनोट किया है, ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है, ये 3,2 पे लोकेटेड है, तो इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। ये जो आपका डायपोल है इस वेरिएबल फील्ड के अंदर इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो जब फोर्स का एक्सप्रेशन अपन लिखेंगे तो फोर्स को अपन ये लिखते हैं पी वेक्टर डॉट डेल वेक्टर, जो डायपोल मोमेंट है उसका डॉट प्रोडक्ट अपन जो डेल ऑपरेटर है उसके साथ लेंगे इन टू ई वेक्टर। तो पहले ये जो वैल्यू है ये आप कैलकुलेट कर लीजिए पी वेक्टर डॉट डेल वेक्टर, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा पी एक्स डेल अपॉन डेल एक्स प्लस पी वाई डेल अपॉन डेल जेड प्लस पी जेड डेल अपॉन डेल जेड।
अब यहाँ पे पी के दो कंपोनेंट होंगे, पी वेक्टर किधर पॉइंट कर रहा है, मान लो पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पी के ही बराबर है, तो पी वेक्टर जो है ये किधर पॉइंट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पे पॉइंट कर रहा है, तो इसका एक जो कंपोनेंट है वो तो क्या हो जाएगा, पी कॉस 37 आई कैप, और एक कंपोनेंट होगा पी साइन 37 जे कैप, तो ये आपका रहेगा 4/5 पी आई कैप प्लस 3/5 पी जे कैप। तो इसके दो ही कंपोनेंट है, एक आई कंपोनेंट है एक जे कंपोनेंट है, तो ये टर्म तो आपकी क्या रहेगी, जीरो ही रहेगी, आपके पास केवल ये दो टर्म्स आपके पास यहाँ पे आ जाएंगी। पी एक्स की वैल्यू तो कितनी है, 4/5 पी डेल अपॉन डेल एक्स, और पी वाई की वैल्यू कितनी है, 3/5 पी डेल अपॉन ये सॉरी वाई है डेल अपॉन डेल वाई। अब ये ऑपरेटर आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये ऑपरेटर जब यहाँ फोर्स वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये आ जाएगा 4/5 पी डेल अपॉन डेल एक्स प्लस 3/5 पी डेल अपॉन डेल वाई, और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर है उसको अपन लिख देते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई स्क्वायर बाई टू जे कैप। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन भी हो सकता था, तो पहले तो अपन इस ऑपरेटर को ऑपरेट करते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पे, तो अपने पास क्या आएगा 4/5 पी, और अपने को डिफ्रेंशिएट करना है इसको एक्स के रेस्पेक्ट में, तो पहली टर्म तो एक्स का फंक्शन है, इसका डिफ्रेंशिएशन अगर आप लोगे डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ दिस एक्स आई कैप और दूसरी टर्म ये आएगी 3/5 पी डेल अपॉन डेल वाई एक्स आई कैप प्लस वाई स्क्वायर बाई टू जे कैप, ये आपके पास आएगी। अब यहाँ पे इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा एक्स के रेस्पेक्ट में, केवल इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वन आ जाएगा, तो एक टर्म तो ये आ गई 4/5 पी, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो आई कैप आ गया, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो जीरो आ गया, तो 4/5 आई कैप। एक ये आएगी 3/5 पी, इसको एक्स वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो जीरो आ जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वाई आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा वाई जे कैप। y की जगह क्या रखेंगे, किस पॉइंट पे डाइपोल आपका लोकेटेड है, y इक्वल टू टू पे लोकेटेड है, यहां पे लोकेटेड है डाइपोल, तो y की जगह अपन क्या पुट करेंगे, x की जगह तो 3 पुट कीजिए फाइनल एक्सप्रेशन में, y की जगह 2, तो फाइनल एक्सप्रेशन में x तो आ ही नहीं रहा है, केवल y आ रहा है, तो y की जगह आप 2 पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा 4/5 पी आई कैप प्लस 6/5 पी जे कैप। तो इस टाइप से आपको फोर्स जो है वो कैलकुलेट करना होगा। तो देखो इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए, इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी आपको सीट में कुछ प्रॉब्लम। फिर सेकंड अपन ने डायपोल की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट किया जो कितना होगा केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर या पी कॉस थीटा अपॉन 4π ε0 आर स्क्वायर। फिर अपन ने फील्ड कैलकुलेट किया है, फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, जो रेडियल कंपोनेंट है वो कितना होगा 2kp cos थीटा अपॉन r क्यूब, और जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट होगा वो कितना होगा kp sin थीटा अपॉन r क्यूब थीटा कैप। फिर डायपोल जो है उसको अगर यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, ये अपन ने कैलकुलेट कर लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर, ये अपन ने देख लिया है। और लास्टली कि कोई भी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर किसी डायपोल को रखा हुआ है तो उसकी उसके ऊपर फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फोर्स के लिए ये एक्सप्रेशन आप P वेक्टर डॉट डेल E वेक्टर। इसी को आप इरोडो में देखोगे तो एक फॉर्मूला आपको इसी के ऊपर दिया हुआ है, वो जो फॉर्मूला है वो एक पार्टिकुलर केस में आपका दिया हुआ है, जब डायपोल जो है वो आपका एक्स एक्सिस के अलोंग हो
एक्स एक्सिस के अलोंग आपका अलाइंड हो और एक्स एक्सिस के अलोंग फील्ड आपका वेरिएबल हो. बेसिकली वो इसको इस टाइप से लिख रहा है, पी डेल ई अपॉन डेल एक्स. तो ये केवल फोर्स का, ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका तब अप्लीकेबल होगा जब आप केवल ये मान के चल रहे हो कि डायपोल आपका एक्स एक्सिस के अलोंग है और फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग आपका पोजीशन के साथ चेंज हो रहा है. लेकिन इन जनरल क्योंकि फील्ड तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट पे भी डिपेंड कर सकता है, वाई कोऑर्डिनेट पे भी डिपेंड कर सकता है, तो जनरल जो फॉर्मूला होगा फोर्स का वो ये रहेगा, पी वेक्टर डॉट डेल ई वेक्टर. ये जो इरोडो वाला जो फॉर्मूला है ये एक्स एक्सिस के अलोंग अलाइंड हो, तो उस केस में पी वेक्टर को तो आप यही लिखोगे पी आई कैप. और यहाँ पे ये जो वैल्यू कैलकुलेट करोगे पी वेक्टर डॉट डेल, इसमें ये टर्म भी आपकी जीरो हो जाएगी, ये भी जीरो हो जाएगी, क्या बचेगा पी एक्स. अब पी एक्स तो पी के ही बराबर हो जाएगा, पी डेल अपॉन डेल एक्स आ जाएगा. तो उस केस में अपन क्या लिखेंगे, पी वेक्टर डॉट डेल इज डेल एक्स. और फिर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट करो फिर. तो ये ई की वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे तो आपको फोर्स का एक्सप्रेशन पता लग जाएगा, ये कितना आ जाएगा पी वेक्टर डॉट डेल इंटू ई वेक्टर. तो ये फॉर्मूला केवल उस केस के लिए वैलिड है जब आपका लॉन्ग अलाइंड हो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर. सर एक बारी सर ऊपर वाले एग्जाम्पल में पी वेक्टर डॉट डेल डेल वाला समझा दो. देखो ध्यान दो, यहाँ पे जब कोई भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो दोनों के एक्स कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करते हो, वाई कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करते हो, जेड कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करते हो. तो पी वेक्टर डॉट डेल क्या आएगा, पी एक्स डेल अपॉन डेल एक्स, पी वाई डेल अपॉन डेल वाई, पी जेड डेल अपॉन डेल जेड. अब चूंकि पी वेक्टर के तो दो ही कॉम्पोनेंट है, हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री एंगल पे पॉइंट कर रहा है, तो एक कॉम्पोनेंट तो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, एक वाई एक्सिस के अलोंग. जेड एक्सिस के अलोंग तो कोई कॉम्पोनेंट नहीं है इसका, तो यहाँ पे पी जेड की वैल्यू क्या होगी, जीरो. तो ये टर्म क्या हो जाएगी, जीरो. तो ये आ जाएगा एक्सप्रेशन, मैंने पी एक्स और पी वाई की वैल्यू रख दी है, तो पी वेक्टर डॉट डेल वेक्टर की वैल्यू ये आ गई. तो यहाँ पे तो आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए. अब ई वेक्टर की वैल्यू एज इट इज आप यहाँ पे रख दो, एक्स आई कैप प्लस वाई स्क्वायर बाई टू जे कैप. अब पहले आप क्या करोगे, इस ऑपरेटर को ऑपरेट करो इसके ऊपर. तो इसके ऊपर अगर आप इसको अगर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, पहली टर्म का डिफरेंशिएशन वन. तो ये वन आई कैप बचा यहाँ पे, तो 4/5 आई कैप आ गया. और फिर इस ऑपरेटर को ऑपरेट किया इसके ऊपर, 3/5 पी डेल अपॉन डेल वाई ऑफ दिस, यानी इसको वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. तो पहली टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, जीरो. सेकेंड टर्म का 2y हुआ, तो 2y अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा वाई जे कैप, यहाँ पे वाई जे कैप रख दिया. अब y की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पे डाइपोल कहाँ लोकेटेड है, किस लोकेशन पे अपन देख रहे हैं, 3,2 पे. तो 3,2 पे y की वैल्यू क्या रहेगी, 2. तो y की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए, ये फोर्स लग रहा होगा डाइपोल के ऊपर. ये भी पता कर सकते हो कि फोर्स किस एंगल पे लग रहा होगा हॉरिजॉन्टल से. तो इस एक्सप्रेशन से आप फोर्स जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो. अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक छोटा सा प्रॉब्लम मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा. आपको दो पॉइंट डाइपोल दिए हुए हैं, एक पॉइंट डाइपोल है पी के कैप और ये आपका लोकेटेड है 0,0,0.
एक अनोदर पॉइंट डाइपोल है पी बाई टू के कैप, ये कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है 1,0,2 पे। इन दोनों डाइपोल्स की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, किस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, 1,0,0 पे। इन दोनों डाइपोल्स की वजह से ये जो पॉइंट है इस पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे दो डाइपोल है, मैं चूंकि वाई कोऑर्डिनेट, तो देखिए तीनों ही जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उन पे वाई कोऑर्डिनेट आपका क्या है, जीरो। तो मैं एक्स जेड प्लेन यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ क्योंकि वाई की वैल्यू तो आपकी जीरो ही है। तो एक्स जेड प्लेन की अपन बात करेंगे यहाँ पे, ये जेड एक्सेस ले लेता हूँ, ये एक्स एक्सेस ले लेता हूँ। 0,0 पे लोकेटेड है पहला डाइपोल, किधर पॉइंट कर रहा है, के कैप यानी जेड एक्सेस के अलोंग। तो पहला डाइपोल यहाँ लोकेटेड है, इधर पॉइंट कर रहा है, डाइपोल मोमेंट कितना है पी। दूसरा डाइपोल कहाँ लोकेटेड है, 1,2 पे, यानी एक्स कोऑर्डिनेट तो 1 है, वाई कोऑर्डिनेट कितना है 2, ये कुछ यहाँ लोकेटेड होगा, वाई कोऑर्डिनेट 2 है, ये सॉरी जेड कोऑर्डिनेट 2 है और एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, ये यहाँ लोकेटेड है 1,2 पे। मोमेंट कितना है पी बाई टू। फील्ड कहाँ पता करना है, 1,0 पे, तो एक्स की वैल्यू तो 1 है, जेड की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट आपका रहेगा 1,0। इस पॉइंट पे फील्ड पता करना है, तो जब अपन इसको इस डायग्राम में ड्रॉ करेंगे तो अपन ये देखेंगे जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है वो इस डायपोल के लिए तो क्या हो गया, इक्विटोरियल पॉइंट, और इस डायपोल के लिए क्या हो गया, एक्सियल पॉइंट। तो अपन एक्सियल पॉइंट पे फील्ड, अपने को पता है एक्सियल पॉइंट पे फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है, 2kp वेक्टर अपॉन आर क्यूब, और इक्विटोरियल पॉइंट पे फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है, -kp वेक्टर अपॉन आर क्यूब। फॉर्मूला अपन यूज कर लेते हैं, तो पहले डाइपोल की वजह से यहाँ पे फील्ड कैलकुलेट करो, इसको मैं E1 वेक्टर बोल देता हूँ, दूसरे डाइपोल की वजह से फील्ड को E2 वेक्टर बोल देता हूँ, नेट फील्ड ये हो जाएगा दोनों का वेक्टर सम, नेट फील्ड आपका ये रहेगा। अब पहला जो डाइपोल है ये है आपका, इसके लिए ये इक्विटोरियल पॉइंट है, तो इक्विटोरियल पॉइंट पे फील्ड किधर पॉइंट करेगा, डाइपोल के अपोजिट डायरेक्शन में, डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, इधर की ओर, E1 इधर पॉइंट करेगा। मैग्नीट्यूड इसका कितना होगा, इससे कितनी डिस्टेंस पे लोकेटेड है, 1 मीटर डिस्टेंस पे लोकेटेड है, तो अपन ये लिखेंगे केपी अपॉन 1 का क्यूब, केपी अपॉन आर क्यूब ये होता है मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, नेगेटिव जेड एक्सिस माइनस के कैप, तो माइनस के कैप मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ये के आपका कूलम्स कॉन्स्टेंट है, ये ध्यान रखना है। फिर E2 वेक्टर पता करते हैं, तो E2 वेक्टर ये है आपका, ये इसकी वजह से फील्ड है यहाँ पे, तो इस डाइपोल के लिए तो ये पॉइंट क्या है आपका, एक्सियल पॉइंट है, तो एक्सियल पॉइंट पे तो फील्ड डाइपोल की डायरेक्शन में पॉइंट करता है, तो इस फील्ड को मैं E2 वेक्टर से डिनोट कर देता हूँ। E2 वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, तो एक्सियल पॉइंट पे फील्ड क्या होता है, 2kp अपॉन आर क्यूब, तो फील्ड का पहले मैग्नीट्यूड रखिए, के इंटू पी की जगह पी बाई टू रख देते हैं, आर की जगह क्या रखेंगे, ये डिस्टेंस कितनी हो गई 2, तो 2 का क्यूब, और डायरेक्शन इसकी क्या है, जेड एक्सिस, तो के कैप ये आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो एक तो आपका है -kp के कैप, और ये जो टर्म है ये कितनी आ जाएगी, केपी अपॉन, नीचे तो 8 है आप, ये सॉरी 2kp लिखना था, एक्सेल पॉइंट पे फील्ड क्या होता है, 2kp अपॉन आर क्यूब, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, केपी अपॉन 8, और यहां से देखिए ये तो -1 है, ये 1/8 है, क्या बचेगा, -7/8 केपी के कैप, तो ये आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो इस टाइप से आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए इसमें कोई भी डाउट है तो एक और प्रॉब्लम देखिए,
कई बार प्रॉब्लम्स जो है वो आपको इस टाइप से दी जाएगी, जैसे मान लो तीन डायपोल हैं और एक डायपोल जो है वो आपका वाई एक्सिस के अलोंग पॉइंट कर रहा है, डायपोल मोमेंट आपका पी है, इससे 2 मीटर डिस्टेंस पे इधर यहाँ पे दूसरा डायपोल है। इस डायपोल जो है ये जो आपका डायपोल होगा ये मान लीजिए आपका किधर की ओर पॉइंट कर रहा है, मान लो इधर की ओर आपका पॉइंट कर रहा है किसी पार्टिकुलर एंगल पे अपन ले लेते हैं। उससे पहले जैसे मान लो इधर की ओर पॉइंट कर रहा है और इसके लिए डायपोल मोमेंट जो है मैं मान लेता हूँ 2p, इसका डायपोल मोमेंट आपका 2p और इससे 2 मीटर डिस्टेंस पे एक अनोदर डायपोल है, ये आपका इधर पॉइंट कर रहा है इस डायरेक्शन में और इसके लिए भी है। ये तीन डायपोल दिए हुए, इस कॉन्फ़िगरेशन को मेरे को चेंज करना है। मान लो मेरे को इस कॉन्फ़िगरेशन से इस डायपोल को तो मैं हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ, ये डायपोल आपका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, इससे 2 मीटर डिस्टेंस पे जो डायपोल है इसको मैं वर्टिकली रोटेट कर देता हूँ इस टाइप से और इस 2 मीटर डिस्टेंस पे जो अनोदर डायपोल है इसको मैं वर्टिकली नीचे की ओर रोटेट कर देता हूँ। तो इस प्रोसेस के दौरान मेरे को कितना एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा ये अपने को कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे एनीवन? पार्थ सर, पहले हम इनिशियल फिगर में हर डायपोल में जितनी पोटेंशियल एनर्जी है वो निकाल लेंगे और फिर फाइनल निकाल लेंगे और फिर सर सब्ट्रैक्ट करके वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, पहले अपन इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, फिर फाइनल कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे और फिर अपन वर्क डन जो है वो कैलकुलेट करने के लिए दोनों पोटेंशियल एनर्जीज को अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक्सटर्नल वर्क डन किसके बराबर होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। तो यहाँ पे डाइपोल्स का पोटेंशियल एनर्जी अपन कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फील्ड तो है नहीं, डाइपोल्स खुद ही फील्ड आपका प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे मेरे को यहाँ पे इस पेयर की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, जैसे मान लो कि एक डाइपोल आपका ये है, मैं इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में आपको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक डायपोल है और इससे 2 मीटर डिस्टेंस पे अनोदर डायपोल है आपका, 2 मीटर डिस्टेंस पे अनोदर डायपोल है, ये डायपोल पॉइंट कर रहा है राइट वार्ड डायरेक्शन में इधर की ओर, इसका मैग्नीट्यूड 2p है और आपको पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन आप कैसे कैलकुलेट करते हो? यू इज इक्वल टू माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है। आप कोई भी एक डायपोल ले लीजिए, जैसे मैं इस डायपोल को ले लेता हूँ तो इस डायपोल की लोकेशन पे दूसरे डायपोल की वजह से कितना फील्ड होगा वो आप कैलकुलेट कर लो। तो जैसे ये आपका पी वेक्टर, ये डायपोल है आपका, ये ऊपर की ओर पॉइंट कर रहा है, इसके लिए ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा? इक्विटोरियल पॉइंट। तो यहाँ पे फील्ड जो है वो किधर की ओर पॉइंट करेगा? फील्ड आपका इधर की ओर पॉइंट करेगा, डायपोल के अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। इस फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो भी आप लिख सकते हो, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखिए 2p वेक्टर और ये जो ई वेक्टर है ये क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन क्या हो जाएगा? जीरो। तो यहाँ पे आप ई की वैल्यू आप अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कितनी आती? तो ये आपका इक्विटोरियल पॉइंट है, फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? kp अपॉन r³। r की जगह आप 2 रख दीजिए, आ जाएगा। लेकिन चूंकि अब ये 2p वेक्टर और ई वेक्टर ये दोनों आपके क्या है? परपेंडिकुलर हैं, तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? जीरो। इनकी इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो। आप इस p वेक्टर और इस 3p की इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी देखोगे तो कितनी आएगी? जीरो आएगी, क्योंकि दोनों आपके क्या है? इस टाइप से आपके लोकेटेड है। तो एक पेयर तो ये हो गया 1 और 2 के बीच, एक 2 और 3 के बीच ये पेयर बनेगा और एक 3 और 1 के बीच बनेगा। 1 और 2 के बीच इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी जीरो आ गई,
थ्री और वन के बीच में भी जीरो ही आएगी। अब बच गया कौन, ये टू और थ्री, तो इनकी इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी आप लिखोगे, ये तो पहले जो दोनों पेयर ये डाइपोल्स हैं इनकी पोटेंशियल एनर्जी है, इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह से आप ये प्रूव कर सकते हो कि पहले और तीसरे का इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, दूसरे और तीसरे का कितना होगा ये कैसे कैलकुलेट करोगे। तो एक डायपोल इधर लोकेटेड है जिसका डायपोल मोमेंट है 2p, इससे 2 मीटर डिस्टेंस पे अनोदर डायपोल लोकेटेड है, ये किधर पॉइंट कर रहा है, लेफ्ट वार्ड डायरेक्शन में 3p। अब इनकी पोटेंशियल एनर्जी आपको कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करोगे, एक डायपोल की वजह से दूसरे की लोकेशन पे फील्ड देखिए किधर की ओर पॉइंट करेगा। इस 2p के लिए ये पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्सियल पॉइंट, तो एक्सियल पॉइंट पे फील्ड किधर पॉइंट करेगा, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में यानी 2p की डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, क्या हो जाएगा फील्ड, ये हो जाएगा 2kp, p की जगह 2p यूज करेंगे, अपॉन r क्यूब, 2 क्यूब यूज करेंगे, तो ये फील्ड कितना आ जाएगा, कर रहा है डायपोल मोमेंट लेफ्ट वार्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो माइनस साइन आएगा क्योंकि कोस 180 क्या होता है, माइनस 1, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन में ऑलरेडी माइनस साइन है, तो ये यू 23 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 3p इंटू kp बाई 2, कितनी आ गई, ये आ गई 3/2 kp स्क्वायर, ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ये तो आ गया टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, पहली कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ui की वैल्यू क्या हो गई, तीन पेयर्स हैं u12 प्लस u13 प्लस u23, और ये कितनी आई 3/2 kp स्क्वायर। अब जो सेकंड केस है उसमें देखते हैं, जो सेकंड केस है उसमें अपन कैलकुलेट करेंगे, तो सेकेंड केस में कैलकुलेट कीजिए UF जो है वो आप कैलकुलेट कीजिए। तो इसमें पहले इन दोनों के बीच इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, तो ये तो आपकी जीरो ही आएगी, पहले और तीसरे के केस में भी जीरो आएगी, दूसरे और तीसरे के केस में अपन कैलकुलेट करेंगे। तो दूसरे और तीसरे के केस में अगर मैं इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करूँ, इसमें सेकेंड केस में देखिए सेकेंड कॉन्फिग्रेशन में, तो ये 2p तो इधर पॉइंट कर रहा है, 3p इधर पॉइंट कर रहा है, दोनों के बीच सेपरेशन कितना है 2, तो इस 2p की वजह से 3p की लोकेशन पे फील्ड किधर पॉइंट करेगा, और फील्ड का जो एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, kp अपॉन r क्यूब, तो p की जगह तो 2p यूज करेंगे, r क्यूब क्या हो जाएगा 2 का क्यूब, क्या आएगा kp अपॉन 4। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है 2 और 3 के बीच में वो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी, ये माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर होती है पोटेंशियल एनर्जी का, ये रिलेशन आपके पास है, तो पी की वैल्यू तो 3p के बराबर है और ई की वैल्यू कितनी है kp अपॉन 4, दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, तो डॉट प्रोडक्ट में तो पॉजिटिव साइन ही रहेगा लेकिन बाहर माइनस साइन है, ये कितनी होगी माइनस 3kp स्क्वायर बाई 4। बाकी जो पेयर्स हैं आपका जैसे 1 और 2 के बीच इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, 1 और 3 की वैल्यू कितनी आई माइनस 3kp स्क्वायर बाई 4, और इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दो, यू इनिशियल कितना था 3/2 kp स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा